अभ्यास 86, गति 120 शब्द प्रति मिनट, मानक आशुलिपि, तीव्र गति अभ्यास स्टार्ट। आदरणीय मंत्री जी, खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति के अधिसंख्य सदस्य भारतीय खाद्य निगम के कार्यकलापों पर असंतुष्ट हैं। समिति की एक बैठक बुलाई गई जिसमें निगम के कामकाज और तौर तरीकों पर गहन विचार किया गया। निगम के अध्यक्ष भी इस बैठक में उपस्थित थे। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के सांसद सलाहकार इस बात पर विशेष तौर पर चिंतित हैं कि इस बार रबी की अच्छी फसल होने के बावजूद उस फसल के संभालने और जरूरत वाले क्षेत्रों को समय पर अनाज भेजने की और खाद्य निगम के उचित ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि काफी मात्रा में अनाज के नष्ट होने के कुछ क्षेत्रों में कीमतें बढ़ गई। पैरा गेहूं की धुलाई के बारे में खाद्य निगम की कोताही और लापरवाही की और रेल मंत्रालय ने भी इशारा किया है। जब उससे पंजाब सरकार ने अनुरोध किया कि गेहूं की कमी वाले राज्यों में भेजने, पंजाब सरकार ने अनुरोध किया है कि गेहूं की कमी वाले राज्यों में भेजने के लिए वैगन दिए जाएं। पंजाब में इस वर्ष गेहूं की अच्छी फसल हुई है। रबी के अनाज की वसूली शुरू होने पर 58 लाख टन अन्न पड़ा था। इसमें से अधिकांश खुले में पड़ा था, जिसके नष्ट हो जाने की आशंका थी। रेल मंत्रालय ने पंजाब को जवाब दिया कि अनाज ढुलाई के लिए वैगन भारतीय खाद्य निगम देगी। यद्यपि रेल मंत्रालय ने इन वैगनों को शीघ्रातिशीघ्र रवाना करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। पंजाब में आजकल करीब 1,54,00,000 टन गेहूं अन्य अनाज पड़ा है, जिसे बाहर भेजना है और भारतीय खाद्य निगम इसे भिजवाने में ढिलाई बरत रहा है। पैरा मानसून के वर्तमान अनुकूल रुख को देखते हुए पंजाब में खरीफ के चावल की वसूली 38 लाख टन होने की आशा है। यह वसूली अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। भारतीय खाद्य निगम और यदि चावल के भंडारण की ठीक व्यवस्था नहीं करता तो यह चावल खाने के काम का ना रहेगा। गेहूं तो खुले में तिरपाल डालकर पक्के फर्श पर रखा जा सकता है, लेकिन चावल के भंडारण के लिए ठीक ढंग से गोदाम होना बहुत जरूरी है। पंजाब चावल मिल संगठन का शिष्टमंडल इन दिनों दिल्ली में है और खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों से भेंट कर रहा है तथा उन्हें खाद्य निगम की सुस्ती व लापरवाही से अवगत करा चुका है। संगठन ने यह शिकायत भी की है कि भारतीय खाद्य निगम ने धान को मिलों की ढुलाई की दरें करीब एक वर्ष से तय नहीं की हैं और जानबूझकर इस मामले को लटकाया हुआ है। पैरा हरियाणा से भी भारतीय खाद्य निगम के बारे में शिकायतें निरंतर मिल रही हैं। इस राज्य में निगम के कर्मचारियों की यूनियनों के अधिक हस्तक्षेप के कारण कामकाज में बहुत ढील हुई है। यहाँ तक कि हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने पिछले दिनों केंद्र से कहा था कि खाद्य निगम को यदि राज्य से हल लिया जाए तो अनाज वसूली और भंडारण का काम ज्यादा सुचारू रूप से हो सकता है। पश्चिम बंगाल में अनाज की वसूली और वितरण का काम राज्य सरकार ने स्वयं संभाल लिया है, पर खाद्य निगम को राज्य से चले जाने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में वसूली तथा वितरण के मामले में अपनी विफलता स्वयं स्वीकार कर ली है। उत्तर प्रदेश तथा अन्य कुछ राज्य भी इस मत के हैं कि भारतीय खाद्य निगम अपने दायित्व निभाने में असफल रहा है। राजनीतिक कारणों से वे खुले तौर पर भले ही ना कहें, लेकिन केंद्रीय खाद्य मंत्री से बातचीत में निगम पर दोषारोपण कर चुके हैं।
अतः मेरे विचार में भारतीय खाद्य निगम में अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश बनी हुई है। पूर्ण विराम।